तो झरने का काम हम लोग का शुरू हो चुका है दोस्तों। देखिए क्या ही मस्त काम हो रहा है। देखिए एकदम चारों तरफ से एकदम काम में लगे हुए हैं मिस्त्री लोग। ये सिर्फ साइड का मिट्टी इतना सारा है, देखिए एकदम पूरा एकदम डिंगा हो गया है एकदम। तो आज झरना का काम इतना हुआ है दोस्तों, देखिए पूरा एकदम साइड साइड का मिट्टी उठा दिए हैं। और ये देखिए दोस्तों पानी अभी थोड़ा सा बचा हुआ है। हेलो दोस्तों, आप सब लोग हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में खुश होंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देखें, हम लोग का कलवर घर पूरा एकदम छरा गया है दोस्तों, पूरा रेडी हो गया है। तो हम लोग चाह रहे थे कि इसको लेस करके पूरा एकदम चिकना कर देंगे, लेकिन इसको बाद में लेसेंगे दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले हम लोग का जरूरी है हम लोग का झरना ठीक करना। अगर हम लोग उसको ठीक नहीं करते हैं तो हम लोग को पूरा एकदम पानी बारिश में दिक्कत हो जाएगा, एकदम पूरा एकदम बाढ़ घुस जाता है और पूरा एकदम पानी खिदर हो जाता है। तो अभी हम लोग चलेंगे दोस्तों उसी को सरियाने के लिए, उसी को कोर देंगे और पार देंगे। उसके बाद में वहाँ पर पूरा एकदम सुरक्षित हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर हम लोग फिर लग जाएंगे हम लोग कलवर घर में, लसना पोतना शुरू कर देंगे। और ये तो पानी पानी भी हो सकता है, क्योंकि ये जो हाँ ये अंदर हो जाएगा ना, तो यहाँ पर एकदम पानी पानी भी काम हो जाएगा। कितना पानी आएगा, एकदम सावन भादो भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम लोग का काम चल जाएगा, क्या जी? हाँ जी। लेकिन हम लोग का सबसे ज्यादा दिक्कत है दोस्तों पानी का, और अगर हम लोग वो ठीक नहीं करते हैं तो हम लोग को काफी दिक्कत हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं अभी हम लोग कुएं में, आषाढ़ सावन में नहीं हो। हाँ, आषाढ़ सावन में तो कुआं में हो नहीं पाएगा। तो हम लोग अभी चलते हैं उसी को ठीक करने के लिए। पहले हम लोग उसको कोड़ेंगे, गड्ढा भी करना पड़ेगा, उसके बाद में फिर उसको पाटेंगे। तो हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं कुआं का काम, और मिस्त्री लोग भी आ गए हैं दोस्तों। वो लोग चले गए हैं खुदाई करने के लिए, और हम लोग अभी जा रहे हैं, कुदाल एक ठो ले लिए हैं। अभी देखते हैं मिस्त्री लोग क्या चीज़ कर रहे हैं, नापी जोखी कर रहे होंगे, उन लोग को बता दिए थे। और आज देखिए दोस्तों धूप कितना तेज उगा हुआ है, देखिए एकदम। और यही धूप के कारण से जो है ना, पूरा एकदम हम लोग का झरना सूख जा रहा है एकदम पूरा। एकदम चट्टा तो नहीं होता है, थोड़ा मोड़ा पानी रहता है, लेकिन पूरा एकदम पीने लायक नहीं रहता है। तो हम लोग झरना पहुँच गए दोस्तों, और देखिए इधर मिस्त्री लोग लगे हुए हैं काम पर। देखिए मिट्टी उठाना शुरू कर दिए हैं, देखिए एकदम पूरा हम लोग का झरना कैसा हो गया है। देखिए पूरा पानी खिदर हो गया है, कहा कि अभी मिट्टी गिर रहा है ना। हाँ, अभी चालू किया है ना। अच्छा, नाप लिया है। हाँ, नीचे कर लीजिए गमला और भरिएगा, जगह बनेगा उस समय। हाँ, तो हम लोग भी लगते हैं दोस्तों काम पे, कहे कि जल्दी करना है। पानी बारिश में इतना ज़्यादा दिक्कत होता है ना, पूरा एकदम भर जाता है, कंकड़ पत्थर एकदम पूरा एकदम गिर जाता है कुआं में। अब इसको इन साल सोच रहे हैं कि पूरा एकदम कम्प्लीट कर देते हैं, क्या मिस्त्री जी? हाँ, तब जाके हम लोग का ठीक होगा, नहीं तो पानी का सबसे बड़ा समस्या है। प्रत्येक साल सोचते हैं दोस्तों कि कुआं बनाएंगे बनाएंगे, लेकिन इस तरह से धूपे नहीं उग रहा था, अब धूप उगा हुआ है। इन साल तो एकदम पूरा एकदम सोच रहे हैं कि इसको जो है पूरा अच्छा तरह से एकदम पाट उट करके पूरा एकदम मस्त कर देते हैं, पानी का हम लोग का समस्या ही दूर हो जाएगा, है ना मिस्त्री? एकदम बढ़िया से पाट दीजिएगा एकदम कोर करके, पहले कोर के अच्छा से गोल से कोड़ेंगे। हाँ, नीचे कर दो। हाँ, तो पानी नहीं सोखा लिए? नहीं, ये जो पानी है मार लेते हैं उसके बाद। अच्छा, और बाबू भी आ गया है दोस्तों, ये देखिए रंगीला। अच्छा अच्छा अच्छा, घर लगेगा। अच्छा, लंबा वाला है मछली बोला, ये पानी है ना, यहाँ पर सांप भी रहता है। हाँ, यहाँ अकेले मत आना, ठीक ना? तो कुआं का काम में काफी जोर शोर से लगे हुए हैं दोस्तों मिस्त्री लोग भी। तो हम भी चलते हैं अब फटाफट काम करते हैं, क्योंकि इसको जल्दी करना है। पानी बारिश का एकदम पूरा मौसम बना देता है, एकदम शाम होता है यार, पूरा एकदम हवा तूफान चलने लगता है, पूरा एकदम जोर से बारिश अगर हो गया तो पूरा एकदम भाथा जाएगा फिर से, क्या जी? हाँ, तो हम भी लग गए हैं दोस्तों काम पे। देखिए अभी मिट्टी उठा उठा के दे रहे हैं, परात दीजिए, परात है कि गमला? कढ़ाई, बस कमे कमे दीजिए ना मिस्त्री जी, दीजिए फटाफट दीजिए। अभी मौसम भी ठंडा कर दिया है, अभी काम करने का बढ़िया मौसम किया हुआ है का? एकदम बादल ढक दिया है दोस्तों, लग रहा है कि कितना ज़्यादा बारिश होगा, उस तरह से एकदम मौसम बना दिया है। अंदर
इधर से देखिए दोस्तों कितना बड़ा बड़ा पत्थर निकल रहा है, पूरा एकदम पहाड़ का पत्थर ना पूरा यहीं पर गिर गया है पूरा एकदम कुआं में, और इसी से पूरा एकदम भथा गया है और पानी ऊपर चढ़ जाता है दोस्तों, कोड़ते कोड़ते ऊपर चढ़ जाता है, इसीलिए साइड साइड से कोड़ते हुए आ रहे हैं। इतना सा पानी बचा हुआ है, यही सोख जाता लेकिन लाइनें कट गया इसलिए नहीं सोख रहा है ये। अब फिर लाइन आएगा तो फिर इसको सोखेंगे, उसके बाद में फिर अंदर घुस करके फिर कोड़ेंगे। और पत्थरवा में ना कुदाल को गपज नहीं देता है एकदम, पूरा दिक्कत होता है, अंदर जाता ही नहीं है कुदाल। बारिश भी देना शुरू कर दिया दोस्तों, ये देखिए पूरा एकदम टपक टिपक एकदम देना शुरू कर दिया है। अब फटाफट करते हैं जितना सकते हैं आज करने के लिए, है ना मिस्त्री जी। जल्दी जल्दी करते हैं नहीं तो पूरा भर भी जाएगा यहाँ। देखिए धीरे धीरे पानी चल रहा है ऊपर। तो अभी खाना खाने का समय हो चुका है दोस्तों, देखिए इधर कविता जी आ गए हैं बुलाने के लिए, तो हम लोग भी अब चलते हैं दोस्तों खाना खाने के लिए। चलिए मिस्त्री जी। हाँ चलिए चलिए चलिए। और ये पानी तो गंदा हो गया है दोस्तों, यहाँ पर तो धोने के लिए नहीं बनेगा, वहीं पर देखेंगे ड्राम में पानी होगा तो वहीं पर धो लेंगे और खाना पीना खाएंगे। पानी भरा है? हाँ ड्राम में है। अच्छा आइए चलिए उधर धोएंगे चलिए। हाँ तो अभी हम लोग चल रहे हैं दोस्तों घर खाना खाने के लिए। चलिए जी। हाँ चलिए चलिए मिस्त्री जी। हाँ समय भी हो गया है। हाँ हाँ काफी भूख भी लग रहा है। टाइम भी हो गया। हाँ और अभी का मौसम देखिए दोस्तों, देखिए पूरा एकदम साफ कर दिया है। उस समय ऐसा लग रहा था ना कि कितना ज्यादा बारिश होगा, एकदम टपक टपक एकदम शुरू भी कर दिया था ना मिस्त्री जी। हाँ बहुत जोर। हाँ पानी बरस रहा था। हाँ एक दो बूंद दिया था। तो हम लोग आ गए दोस्तों यहीं पर धोते हैं, देखिए ड्राम में पानी होगा देखते हैं। हाँ ड्राम में तो पानी है, भर के रखे हैं ना जी। चलिए चलिए धोइए यहीं पर। हाँ धो लीजिए, सभी कोई धो रहे हैं दोस्तों, हम भी धोते हैं फटाफट। हाँ तो हम लोग सभी को हाथ पैर धो करके आ गए दोस्तों, और मिस्त्री लोग को खाना पीना खिला लिए हैं, और अभी हम बैठे हैं दोस्तों खाना खाने के लिए। देखिए आज खाने में बना हुआ है मार भात, और ये देखिए आलू का भुंजिया एकदम स्पेशल भुंजिया बना हुआ है। तो खाते हैं फटाफट खाना, एकदम इतना अच्छा एकदम मार भात बना हुआ है ना, काफी टेस्टी लगता है ऐसा खाना खाने में एकदम। तो हम जल्दी से खाते हैं दोस्तों फटाफट, उसके बाद में थोड़ा देर आराम करेंगे, उसके बाद में चलेंगे फिर काम पे। काफी टेस्टी भुंजिया भी लगा दोस्तों, और मार भात तो लगता ही एकदम काफी टेस्टी। अभी हम खा रहे हैं फटाफट खाना। तो हम लोग का खाना पीना हो चुका है दोस्तों, और अभी हम लोग आ गए हैं काम पे, और देखिए सारे मिस्त्री लोग भी लग गए हैं काम पे। तो ये देखिए दोस्तों पानी भर गया है, तो इसको सोखा देते हैं। उस समय तो पूरा एकदम लाइनें कट गया था इसीलिए नहीं सोख पाया, तो अभी इसको भर देते हैं पानी, उसके बाद में फिर सोखाएंगे इसको, मशीन चालू कर देंगे। तो चलिए जी भरते हैं पानी। हाँ चलिए। है ना। हाँ, बाल्टी में पानी है। और यहीं पर है पानी दोस्तों, इसी को भर देते हैं। हाँ चलिए लीजिए जी, पकड़िए। चलिए चलिए उसको खोलिए। तो इसमें जल्दी से पानी भर लेते हैं दोस्तों, अभी कविता जी खोल रही हैं। तो कविता जी अभी पाइप खोल ली है दोस्तों, और अभी पानी डाल रही है मशीन में। बहुत पानी ले रहा है जी, पूरा सोख गया था क्या? एकदम इतना ज़्यादा हवा तूफान चल रहा है ना दोस्तों, एकदम पूरा एकदम लाइनें कट जा रहा है, एकदम बीच बीच में एकदम हम लोग का इस तरह से डिस्टर्ब होते रहता है। अब यहाँ पर इतना ज़्यादा पानी भर गया है कि हम लोग का काम ही रुक जाएगा ना जी। हाँ। और पानी लगेगा? हाँ, और लगेगा। अच्छा दो बाल्टी। और दो बाल्टी लगेगा। हाँ। अच्छा चलते हैं भाई, एक बाल्टी दीजिए। और पानी देखिए दोस्तों, हम लोग खाने के लिए गए तो कितना पानी ऊपर उठ गया देखिए, एकदम तुरंत इतना भर जाता है, लेकिन पूरा गर्मी मारता है ना उस समय पूरा एकदम सोख जाता है। एक बाल्टी तो भर चुके हैं, उसमें हुआ नहीं, और एक बाल्टी डाल देते हैं। चलिए तो पानी भर गया दोस्तों मशीन में, अभी कविता जी बांधने जा रही है। बढ़िया से घुसा लीजिएगा जी। हाँ जी। चलिए बांधिए, पूरा टाइट से बांध दीजिए। तो कभी ना खुलेगा। हाँ पानी लीकेज करता है। तो हम नीचे उतर गए दोस्तों, और कविता जी मशीन भी चालू कर दी। पानी फेंक रहा है जी? हाँ तो आइए नीचे। हाँ, छोड़ दीजिए पानी फेंकने दीजिए। और ये देखिए दोस्तों कितना मिट्टी निकल रहा है देखिए, और कैसा मिट्टी निकल रहा है, एकदम पूरा एकदम कचरा हो गया है एकदम पूरा एकदम झरना में।
पूरा ये सब सड़ा हुआ मिट्टी है, सब बाहर निकाल दे रहे हैं, सब इसी तरह से फेंक देते हैं। इधर देखिए मिस्त्री लोग लगे हुए हैं, अभी पूरा एकदम कचरा निकल रहा है ना, बहुत कचरा, पूरा एकदम मिट्टी गल गया है। और ये देखिए दोस्तों पानी अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, ये भी सूख जाएगा अभी तुरंत। तो हम भी नीचे उतरते हैं दोस्तों, अभी बारिश छूटा हुआ है, अभी बारिश का मौसम नहीं बनाया है, नहीं तो तुरंत बारिश का मौसम बना देता है, एकदम पता ही नहीं चलता है अभी कब का मतलब मौसम बदल जाएगा, तुरंत बदलते रहता है। तो अभी बढ़िया समय है, अभी फटाफट काम करते हैं हम लोग, अभी ठंडा भी किया हुआ है बहुत अच्छा, काम में बढ़िया मन लगेगा हाँ मिस्त्री जी। अब यहीं पर मिट्टी वगैरह भरते हैं, देखिए कढ़ाई लेकर के आ रहे हैं, देखिए मिस्त्री जी अभी भर रहे हैं मिट्टी, पूरा पत्थर निकल रहा है ना मिस्त्री जी, साइड साइड में एकदम पत्थर है ना इतना ज़्यादा, पूरा यही सब टूट टूट के अभी गिर जाता है नीचे। तो हम कोड़ देते हैं इधर और मिस्त्री जी उधर भरते जाएंगे। तो सभी मिस्त्री लोग अभी पानी पीने के लिए उठे हुए हैं दोस्तों, देखिए अभी पानी पी रहे हैं, अभी एक बाल्टी पानी लेकर के आई है कविता जी, देखिए अभी बैठी हुई है। एक बाल्टी मिला जी पानी? अच्छा, तो एक बाल्टी में क्या होगा? पानी है नहीं है? अच्छा, हाँ यहाँ तो खिदर हो गया है पूरा, इधर इसी से पी लीजिए थोड़ा बहुत, आत्मा शांत हो जाएगा। तो यहाँ पर पानी पूरा एकदम खिदर हो गया है दोस्तों, और वहाँ भी पानी सूख गया है पूरा एकदम। तो ये वाला कब फरिएगा तो फिर यहीं से ले जाएंगे पानी। अभी उधर कोड़ना पड़ेगा, एक तो डोभा बनाना पड़ेगा पानी पीने के लिए, नहीं तो हम लोग पानी कहाँ से पियेंगे आज, पानी भी गर्म हो गया है। हाँ वो वाला पानी ना, हाँ तो बाहर में रहता है ना ड्राम में पानी, तो इसीलिए गर्म हो जाता है। तो झरना का काम हम लोग का शुरू हो चुका है दोस्तों, देखिए क्या ही मस्त काम हो रहा है, देखिए एकदम चारों तरफ से एकदम काम में लगे हुए हैं मिस्त्री लोग, देखिए इस तरह से कहीं माटी तार रहे हैं, कहीं कोड़ रहे हैं, कहीं पर देखिए यहाँ पर भरने का तैयारी कर रहे हैं, देखिए भरा हुआ भी है एक जगह, फेंकिए जी। तो आज से हम लोग का काम एकदम शुरू है दोस्तों, आप देखते हैं कब तक सकते हैं इसको करने के लिए, है ना मिस्त्री जी, लेकिन कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे। हाँ लगे हैं तो कंप्लीट करने के लिए। हाँ तो आज झरना का काम इतना हुआ है दोस्तों, देखिए पूरा एकदम साइड साइड का मिट्टी उठा दिए हैं, साइड का ही मिट्टी उठाने में काफी समय लग गया, देखिए पूरा एकदम एक दिन का समय ले लिया एकदम इसी में। और मिस्त्री लोग सभी कोई उठ गए हैं घर जाने के लिए, अभी लोग भी घर जाएंगे क्योंकि समय भी हो गया है, और आज गांव का बाजार भी है दोस्तों, तो बाजार भी लोग करेंगे इसीलिए अभी जा रहे हैं इधर। तो आप लोग निकल रहे हैं ना? हाँ अच्छा ठीक है, तो हाँ फिर कल आ जाइएगा। ठीक है आ जाएंगे कल से, यहाँ पर बीच में खुदाई होगा, अभी चलते हैं घर, सारे मिस्त्री लोग भी चले गए दोस्तों छुट्टी करके। और ये देखिए मिट्टी कितना सारा उठा हुआ है, ये सिर्फ साइड का मिट्टी इतना सारा है, देखिए एकदम पूरा एकदम डिंगा हो गया है, एकदम इतना ज़्यादा हो गया है मिट्टी, क्या जी? चलिए लगाइए उसको। चलिए हम लोग भी चलते हैं, फिर नहीं लगाएंगे फिर तो हाँ पूरा एकदम बैल बकरी एकदम गंदा कर देता है वो सब। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग कहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।